आज हम सीखेंगे प्री पोजिशन। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि उनको इस पे बहुत दिक्कत होता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि किस प्री पोजिशन का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्री पोजिशन कहते किसको है। वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के पहले होता है और वह इनसे अपना संबंध स्थापित करता है, उसे कहते हैं प्री पोजिशन। जैसे इन, इनटू, ऑन, ओवर, एबव, बाई, फ्रॉम, विथ, अमंग, बिटवीन, अंडर, बिसाइड, ये सारे वर्ड हैं, इसे हम कहते हैं प्री पोजिशन। और आज हम सीखेंगे इसको खेल खेल के माध्यम से, ताकि आप इसको आसानी से सीख जाएंगे, यह हमारा उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम खेल खेल में सीखते हैं प्री पोजिशन। आइए पहले हम सीखेंगे टू का प्रयोग। टू माने को होता है और इसका प्रयोग हम करते हैं लक्ष्य के लिए या दिशा के लिए। जैसे मान लीजिए ये बच्चे हैं, द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, ये हो गया लक्ष्य। हम कह सकते हैं कि गोइंग टू हॉस्पिटल, गोइंग टू पार्क, गोइंग टू ऑफिस हम लगा सकते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम माने से, क्या होता है फ्रॉम माने, फ्रॉम का प्रयोग हम करते हैं जुदाई बताने के लिए। जैसे मान लीजिए ये फ्रॉम है और ये बच्चा है, ये लौटा, ही रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, वह बाजार से लौटा। अगला एग्जाम्पल है फ्रॉम का, जैसे कि मान लीजिए आप लोग जंप करिए, ये हुआ जंप, द बॉयज जंप फ्रॉम द स्टेज, ये यहाँ से जंप किए। ऑन, ऑन मन होता है पर या ऊपर, जब किसी वस्तु में स्पर्श का बोध होता है हम वहाँ ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिएगा इसके सर पे टोपी है, द कैप इज ऑन हिज हेड, ये टोपी का संपर्क है इसलिए हो गया ये कैप, द कैप इज ऑन हिज हेड। ये बैग है, द बैग इज ऑन हिज हेड, इसका संपर्क है इसलिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। दिन के पहले ऑन संडे, ऑन मंडे, इसके लिए भी हम ऑन लगाते हैं। अब हम सीखेंगे बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन का मतलब होता है बीच, दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दो बच्चे बैठे हुए हैं, दो हैं, मान लीजिए हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट द बुक बिटवीन द टू बॉयज, जैसे ये है एक और ये है दूसरा, तो दो के लिए, दो व्यक्ति या वस्तु के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब हम प्रयोग करेंगे अमोंग का। अमोंग माने होता है बीच, मगर अंतर क्या है दोनों में, बिटवीन का प्रयोग करते हैं दो व्यक्ति या वस्तु के लिए और अमोंग का प्रयोग करते हैं दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए। जैसे यहाँ बच्चे हैं, यहाँ एक दो तीन चार पांच बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये जो बच्चे हैं ये दो से अधिक हैं, हम यहाँ प्रयोग करेंगे अमोंग का। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स अमोंग द बॉयज, तो जैसे मान लीजिए हम ये बांटें, एक किताब, दो, तीन, चार और ये पाँच, तो मैंने आई डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमोंग द फाइव बॉयज। तो आप इस तरह से अमोंग का प्रयोग कर सकते हैं दो से अधिक के लिए। अब हम प्रयोग करेंगे ओवर का। ओवर माने होता है ऊपर, यह स्पर्श नहीं करता है या स्थान से ऊपर होता है, लेकिन हम वहाँ पहुँच सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये अम्ब्रेला है, तो बोलेंगे द अम्ब्रेला इज ओवर देयर हेड, ये अम्ब्रेला इनके सर से ऊपर है, ये होता है ओवर का प्रयोग। और क्या होता है, जैसे ओवर में होता है पंखा, द फैन इज ओवर आवर हेड, ठीक है, द ट्री इज ओवर आवर हेड, ये हो सकता है ये प्रयोग में। इन, इन माने होता है में, कमरे के अंदर, ऑफिस के अंदर या मैदान में, हम वहाँ लगाते हैं इन। जैसे यहाँ बच्चे हैं, तो द बॉयज़ आर इन द रूम, द बॉयज़ आर इन द रूम, द बॉयज़ आर सीटिंग इन द रूम, द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द रूम।